शहर में जहां एक ओर कई लोगों को रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की कमी की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसी मजबूरी का फायदा उठाकर लोगों को फंसाने का काम कर रहे हैं। अब ऐसा ही एक मामला सकरदरा पुलिस थाना अंतर्गत सामने आया है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रोजाना सोशल मीडिया पर हम कोरोना मरीजों के लिए बेड या रेमडेसिविर उपलब्ध है ऐसे मैसेज देखते हैं, जो कि लोगों को मदद मिले इस उद्देश्य से भेजी जाती है, लेकिन बहुत बार ये मैसेज गलत भी हो सकते हैं। अब ऐसा ही एक मामला सकरदरा पुलिस थाना अंतर्गत सामने आया है। फरियादी के पति रुपेश नंदनवार की मां को बीते कुछ दिन पहले कोरोना हुआ था, जिसके बाद उनके परिवार वालों ने उन्हें खड़ककर अस्पताल में भर्ती कर दिया। हालांकि इस दौरान उनकी मां की तबीयत और खराब हो गई, उन्हें इंजेक्शन की जरूरत थी, जिसकी खोज फरियादी और फरियादी का पति कर रहे थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर भेजे जा रहे मैसेजों पर संपर्क करना शुरू कर दिया। इस दौरान आरोपी निखिल आकोटे से उनका संपर्क हुआ। निखिल ने उन्हें बताया कि वो उन्हें इंजेक्शन दिला कर देगा। इस वक्त आरोपी से बात करते हुए फरियादी ने उन्हें ये भी बताया कि उनकी मां को बेड की भी जरूरत है। तब आरोपी ने कहा कि वो निर्मय अस्पताल में उन्हें बेड भी उपलब्ध करा देंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें उसे पैसे भी देने होंगे। फरियादी ने निखिल की ये बात मानी और उसके अकाउंट में 1,60,000 रुपए जमा कर दिए। पैसे देने के बाद भी निखिल ने फरियादी को बेड उपलब्ध नहीं करा कर दिया और इसी दौरान फरियादी की मां की मृत्यु हो गई। मां की मृत्यु होने के बाद फरियादी की ओर से निखिल पर पैसे वापस करने का दबाव बनाया गया है। जिस वक्त निखिल ने उनका फोन भी नहीं उठाया, तब फरियादी को उनके साथ धोखाधड़ी होने की मालूमात हुई, जिसकी शिकायत उन्होंने सकरदरा पुलिस थाना अंतर्गत दर्ज कराई है। इस संदर्भ में फरियादी के पति रुपेश नंदनवार ने अधिक जानकारी साझा की। मैं रुपेश नंदनवार, माझी आई कोरोना पॉजिटिव असल्यामुळे आम्ही तिला आधी खड़तकर हॉस्पिटल मध्ये 17 तारखेला ऍडमिट केलं। तिथे तिची प्रकृती अजून गंभीर झाली तेव्हा आम्हाला खड़तकर हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांनी सांगितलं की तुम्ही व्हेंटिलेटर बेड शोधायला सुरुवात करा, कारण प्रकृती खूप गंभीर होत आहे। कारण त्या अनुषंगाने मग मी आणि माझी पत्नी जयश्री नंदनवार आम्ही दोघांनी व्हेंटिलेटर बेड शोधण्यासाठी प्रयत्न केला। त्यांनी रेमडेसिविर इंजेक्शन पण म्हटलं की जर तुम्हाला भेटत असेल तर बघा। आम्ही त्याच्या पण प्रयत्नात लागलो, जसं की व्हॉट्सॲपवर आपल्याला सगळीकडे दिसतं, कॉन्टॅक्ट येतात, फोन नंबर येतात। आम्ही तसा प्रत्येकाला आता आपल्याला आशा असते की आपला व्यक्ती जो आपला घरचा माणूस आहे तो बरा होऊन घरी परत यायला पाहिजे। त्या अनुषंगाने आम्ही प्रत्येक मेसेजला प्रत्युत्तर देत होतो, फोन करत होतो, कॉन्टॅक्ट करत होतो। तसाच आम्हाला व्हॉट्सॲपवरच या व्यक्तीचा, एक निखिल नरेंद्र आठवले नावाचा या व्यक्तीचा कॉन्टॅक्ट भेटला। आम्ही त्याला फोन लावला या आशेने की होऊ शकते तो आमची मदत करेल। तर त्यांनी आम्हाला सहाय्य करण्याचं आधी आश्वासन दिलं रेमडेसिविर या इंजेक्शनकरिता। माहिती तर होतं की रेमडेसिविर बाहेर भेटत नाही, तरी पण आपली एक आशा असते साधारण माणसाची की कुठूनही भेटो आपला माणूस घरी आला पाहिजे। त्या अनुषंगाने आम्ही त्याला फोन केला आणि तो आम्हाला खड़तकर हॉस्पिटल सकरदरा चौकाच्या खाली तिथे चौकामध्ये अंदाजे संध्याकाळी 4:30-5 दरम्यान 22 तारखेला भेटला। त्यांनी आश्वासन दिले की आम्ही तुम्हाला रेमडेसिविरचे 2 इंजेक्शन मी उद्या सकाळी 10 वाजेपर्यंत उपलब्ध करून देतो। त्याकरता त्यांनी आम्हाला एका इंजेक्शनचे 10,000 असे ॲडव्हान्स मागितला आणि मग ते माझ्या पत्नीने त्याला फोनपेद्वारे तो ॲडव्हान्स पाठवला त्यांनी दिलेल्या मोबाईल नंबरवर। आणि बोलता बोलता सहजच आम्ही हे पण बोललो की आईची तब्येत खूप खराब आहे, प्रकृती खूप गंभीर आहे आणि तिला ICU व्हेंटिलेटरचा बेड हवा आहे। तर त्यांनी हे पण म्हटलं की मी तो पण अरेंज करून देतो, निरामय हॉस्पिटल जे अशोक चौकात आहे, मेडिकल चौक अशोक चौकामध्ये त्या ठिकाणी आम्ही तो पण अरेंज करून देतो असं त्यांनी आश्वासन दिलं। त्याकरिता त्यांनी 2 लाख रुपये लागतील असं म्हटलं आणि आम्हाला त्यांनी एक लेटरहेडवर पत्र दिलं डॉक्टरच्या नावाने। जब निखिल और फरियादी के पति के बीच बातचीत हुई, तब निखिल ने अपने एक मित्र आरोपी संकेत कुरटवा से बात कराई, जिसने फर्जी डॉक्टर बनकर फरियादी के पति से बात की और उन्हें बेड दिलाने का झूठा आश्वासन दिया। इस संदर्भ में पुलिस ने कार्रवाई की, जिसके बारे में पुलिस निरीक्षक सत्यवान माने ने अधिक जानकारी साझा की। हमारे यहाँ पे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट आया, एक महिला है कि जयश्री नंदनवार, उसकी सास को कोविड पॉजिटिव आई थी और यह खड़तकर हॉस्पिटल में एडमिट किया था उनको, लेकिन वहाँ पे ICU बेड नहीं था। तो ICU बेड की तलाश में था, तो एक उनको यहाँ हॉस्पिटल के वहाँ पे एक निखिल अकोटे करके एक आदमी मिला। उन्होंने उसको पहचान करके दिया कि मेडिकल ऑफिस में मेडिकल में वो PRO करके ड्यूटी करता है और निरामय हॉस्पिटल में
उनको आईसीयू बेड और रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध करके दे देगा, ऐसा उन्होंने कहने से और 2 लाख रुपए की डिमांड किया था। इसमें उन्होंने 1,60,000 रुपये उनके अकाउंट पे ट्रांसफ़र किया। इसमें उसका एक साथीदार था संकेत पुरड़वार, वो डॉक्टर बन के मोबाइल पे बात भी किया कि उन्होंने कि आईसीयू बेड आपको मिल जाएगा करके, इसके लिए पैसा भर दो, तो और उनका अकाउंट नंबर दे दिया। तो उनके अकाउंट पे कंप्लेनेंट ने 1,60,000 रुपये भर दिया था, लेकिन जब भी उनको पता चला कि ये सब वो फेक है, तभी उन्होंने उसको बोल दिया। तो उन्होंने पहले शुरू में फ़ोन नहीं उठाया, बाद में बात किया कि वो इसमें से 10,000 रुपये वापस दे दिया है और 1,50,000 अभी तक नहीं दिया। वो दोनों आरोपी निखिल आटोले और संकेत पुरड़वार, ये अभी सदर पीएस के कस्टडी में, 307 आईपीसी की गुना दाखिल हुआ उनके खिलाफ, वो कस्टडी में है, उनको ताबे में लेके आगे के लिए हम लोग जाँच कर रहे हैं। पुलिस द्वारा जानकारी प्राप्त हुई कि दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज है। दोनों आरोपी सदर पुलिस की जेल में कैद थे। इस मामले में पुलिस द्वारा आगे की जांच जारी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।